प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने एक बयान जारी कर आपातकाल में जेल जाने वालों को लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि देने की प्रस्तावित योजना की आलोचना करते हुए कहा कि इसके तहत भाजपा सरकारी धन का दुरुपयोग कर अपने कार्यकर्ताओं को आर्थिक लाभ देने का खेल खेलने जा रही है। उन्होंने कहा कि जो सरकारें अपनी नीतियों और कार्यप्रणाली से तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं को बंधुआ बनाने में लगी हों, उनसे लोकतंत्र प्रहरी जैसे शब्द सुनकर आश्चर्य होता है। जिस सरकार के शासन में विचारों की भिन्नता को देशद्रोह की संज्ञा देकर अत्याचार करने और लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी सरकारों को नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल को शासन प्रशासन की शक्तियां देने को कानून बनाने वाली विचारधारा के लोग लोकतंत्र की बात करें तो उनके दोहरे चरित्र का स्वत पर्दावाश हो जाता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि एक तरफा खर्चा चलाने के लिए सरकार ऋण लेने की सीमा बढ़ा रही है, दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं के ऊपर सरकारी खजाने को लुटाने का खेल खेला जा रहा है। कौशल ने कहा कि देश में समय समय पर कई तरह के आंदोलन होते हैं, तो क्या सरकारें ऐसे आंदोलनों में गिरफ्तार किए गए लोगों को सत्ता में आने की स्थिति में इसी प्रकार सम्मान राशि देगी। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन भी एक तरह से सम्मान राशि ही होती है, उसको भाजपा सरकारों ने बंद कर दिया और अपने अंधभक्तों के लिए सरकारी खजाने को लुटाने की योजना बना डाली। प्रेम कौशल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकारी धन को वाजपेयियों के ऊपर इस तरह से लुटाने का पुरजोर विरोध करेगी। देश में आपातकाल के दौरान गिरफ्तार हुए अथवा जेल में गए जो भारतीय जनता पार्टी की जो उस वक्त जनसंघ था, कार्यकर्ताओं को हिमाचल प्रदेश की सरकार लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि के नाम से मासिक पेंशन लगाने की योजना बनाकर करोड़ों रुपया इसको इसके ऊपर खर्च करने जा रही है। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान की बात एक ऐसी पार्टी कर रही है जिसके शासनकाल में विचारों की भिन्नता रखने वाले, नीतियों से असहमति रखने वाले हजारों लोगों के ऊपर देशद्रोह जैसे मुकदमे बनाकर उनको जेलों में बंद किया गया, गिरफ्तार किया जा रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई जो गैर भाजपा सरकारें हैं उनको नियंत्रित करने के लिए, अप्रत्यक्ष तौर पर अपना शासन स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को बदलकर कानून बनाकर राज्यपाल को शासक और प्रशासक बनाने के उद्देश्य से कानून बनाए जा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और ऐसी विचारधारा और ऐसी पार्टी की सरकारें अगर लोकतंत्र सम्मान की बात करें तो आश्चर्य होता है, हैरानी होती है। देश के अंदर समय समय के ऊपर पूर्व में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी अनेक आंदोलन हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे और ऐसे आंदोलनों में बहुत से लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारियां होती हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है कि क्या देश में समय समय पर जो आंदोलन हुए, हो रहे हैं या भविष्य में होंगे, उन आंदोलनों में भाग लेने वाले जो लोग हैं उनको सत्ता में आने की स्थिति में अलग अलग पार्टियां इस तरह की पेंशन का प्रावधान करेंगी। एक तरफ वाजपेयी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को बंद किया। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन भी एक तरह से सम्मान राशि ही है, उसको खत्म कर दिया गया। रिटायर्ड कर्मचारी अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्वतंत्रता सेनानियों की तरह अब लोकतंत्र
प्रहरी समान राशि के नाम से सरकारी खजाने का धन लुटाना चाहते हैं। एक तरफ सरकार विधानसभा सत्र में खर्चा चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए कर्ज की सीमा जो है उसको बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर रही है, और दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, उनकी जेबें भरने के लिए इस तरह की पेंशन योजना लाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की इस तथाकथित लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नाम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली जो घूस है उसका डटकर विरोध करेगी। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान की बात एक ऐसी पार्टी कर रही है जिसके शासनकाल में विचारों की भिन्नता रखने वाले, नीतियों से असहमति रखने वाले हजारों लोगों के ऊपर देशद्रोह जैसे मुकदमे बनाकर उनको जेलों में बंद किया गया, गिरफ्तार किया जा रहा है। और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई जो गैर भाजपा सरकारें हैं उनको नियंत्रित करने के लिए, अप्रत्यक्ष तौर पर अपना शासन स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को बदलकर कानून बनाकर राज्यपाल को शासक और प्रशासक बनाने के उद्देश्य से कानून बनाए जा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और ऐसी विचारधारा और ऐसी पार्टी की सरकारें अगर लोकतंत्र सम्मान की बात करें तो आश्चर्य होता है, हैरानी होती है।